DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बाकी बातों में दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा ये कि जितना जरूरी कोरोना से हमें लड़ने के लिए अपन बाकी एफर्ट्स कर रहे हैं, तुम्हारी पुष्कर विधानसभा के अंदर मेरे पानी और बिजली की भयंकर समस्या है। बोले पानी और बिजली की भयंकर समस्या है, कई बहुत सारे गांव और ढाणिया या बिशलपुर का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वहां कृपया करके हेडपंप या ये टैंकर लगाए। दूसरा, हमारे पुष्कर के अंदर गारमेंट्स का बहुत बड़ा काम है, तो लगभग 1500 मजदूर यूपी और बिहार जाने के लिए तैयार है। बिहार का तो समझ में आता है कि वहां की गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, लेकिन यूपी के मजदूर खुद के साधनों से अपनी बसें उन्होंने अरेंज कर ली। बार बार हमने प्रशासन को भी कहा, ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया, लेकिन उनके बार बार पास रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको उनके प्रदेश में पहुंचा देवे, ताकि उनको भी समस्या नहीं हो और अपन को भी समस्या नहीं हो। दूसरा जो मुख्य बात है कि कोरोना के साथ साथ पीडीओ ने भी पुष्कर के अंदर एक आक्रामक रूप से हमला कर दिया, नागपाड़ पूरा कई किलोमीटर तक चट कर दिया, और जो हमारे बागमानी के अंदर जामुन, गोंदे और ये शहतूत वगैरह और सब्जियां सारी चट कर दी, तो आप इसका भी सर्वे करा के। सुरेश रावत जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, ये अपने जो बातचीत रखी है, ये समस्याएं तो आप लिख के देंगे तो वही इफेक्ट पड़ेगा जो अभी आप कह रहे हो जी। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है लॉकडाउन खोलना है तो क्या क्या करना चाहिए, दुकानें पहले खुले नहीं खुले, आज सात शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू अभी तक आगे रहेगा, क्या करना है, तो लॉकडाउन के बाद में स्थिति क्या बने उस पर चर्चा करेंगे, ज्यादा सार्थक होगी। क्या तकलीफ आ रही दुकानदारों को, दुकान खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, उस पर सुझाव क्या, वो सुझाव मैं तमाम मेंबर साहबान कहना चाहूंगा उस तक सीमित रहे। इस समस्याओं के लिए करोगे तो टाइम आपका तो देंगे, आप लिख के तो बात वही रहेगी, इसी में टाइम वेस्ट कर दोगे तो असली मकसद तो खत्म हो जाएगा। तो कोविड की संकट क्वारंटाइन का मैंने आपको रिक्वेस्ट की, क्वारंटाइन आप ढंग से कैसे करवा सकते हो अपने क्षेत्र के अंदर, बाहर के लोग इतने एक साथ आएंगे ट्रेनों के अंदर, बाय रोड आएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें सबसे बड़ी चिंता लगी हुई है क्वारंटाइन की, क्वारंटाइन के लिए सरकार भी अपने स्तर पर बात कर रही, सब जगह नीचे स्तर पर। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर साहबान को, क्वारंटाइन में आप क्या कर रहे हो, क्या तैयारी आपकी है, क्या मदद कर सकते हो, कुछ सुझाव आप बताइए, आप दुकानें खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, आगे ओपन होगा तो क्या क्या फेजेट होना चाहिए, ये सुझाव दीजिए आप लोग। पानी बिजली के तो अपन कभी बात कर लेंगे, ठीक है। मैं दूसरा, सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण वितरित किया जा रहा है और अनाज लिया जा रहा है, उसके अंदर बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठे लगा रहे हैं, तो इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है, तो आप इसका वैकल्पिक मार्ग ढूंढ के ये आपको करना। दूसरा, धन्यवाद आपका। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, एक और मेरा आपसे निवेदन है कि अपन सब लोग मिलकर, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नीचे का प्रशासन है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक भेदभाव से काम कर रहा है। मैं खुद पुष्कर में राहत सामग्री बांटने गया तो मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग का और धारा 144 का नोटिस दिया गया, तो मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करिए, वो हमें लोकल प्रशासन हमें काम करने से रोक रहा है, आपकी मंशा के विपरीत वो काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी तारीफ करी, हम भी खुले दिल से आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए।